जी एनी अदर क्वेश्चन? आप अंदर का मत प्लीज स्टैंड अप कैसा फील कर रहे थे, एक्साइटेड थे या डर रहे थे? मैं एक्चुअली डर रहा था, एक्चुअली डर रहा था, क्योंकि मेरा मूवमेंट बंद हो गया। मैं थिएटर करता था, मेरा अपना थिएटर ग्रुप था दिल्ली में, सो डेली रिहर्सल करना पड़ता था, हमारा काफी अच्छा बड़ा थिएटर ग्रुप था, तो वो एक्टिविटीज मुझे बहुत छुप के करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा दब के करनी पड़ती थी, और वो न करें तो हमें लगता था कि मतलब आज का दिन तो हमने जिया ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो कैसे। सो इट वॉज दैट कि आई वॉज लिटिल स्केयर, लेकिन ये था कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग थे, जो मेरे थिएटर ग्रुप के लोग थे, उन सबको पता था, सो दे वर वेरी यू नो लाइक एक बॉडी गार्ड की तरह काम कर रहे थे, इवन द गर्ल्स, सबको पता था कि भाई ऐसा चल रहा है, ये माहौल है। सो ही यूज टू वर्क लाइक रिबेल्स, और वो दौर होता है जब आप, अगर आपके प्रोस्पेक्टिव वो हैं तो आप जुझारू होते हैं, काम करते हैं, और आप हमारा जो कैंपस था जहाँ लोग रिहर्सल वगैरह करते, तो काफ़ी सेफ था, स्कूल ऑफ ड्रामा काशी नाट विद्यालय दिल्ली बहावलपुर हाउस, सो इट वॉज वेरी सेफ, एंड वहाँ पर जो भी बंदे खड़े होते थे गेट पर, गेट कीपर से लेकर और चाय वाले से लेकर, वो सब हमारे ही लोग थे, तो सबको पता था, तो सब लोग एक तरह से बहुत ही बड़े इन्फॉर्मर थे या इंटेलिजेंसिया था, तो सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट करते थे, इसलिए सो हम लोग सेफ थे उस तरह से, बट डर लगता था कि भाई अगर खुदा ना खास्ता आपको काफ़ी काम करना है, और ये तो सब लोग हैं, इनका तो टारगेट एक मिनट में अपना ये निकाल लेंगे, और आप डर तो होता है। बट आई डोंट थॉट